बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तिक़लाल। नाज़रीन, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के वाले से तैयारियां अभी से ही ज़ोरों शोर से जारी हैं। तमाम ग्रुपों ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ईसी मेंबर और फाउंडर चेयरमैन आज़ाद ग्रुप राजा हसन अख्तर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज़ाद ग्रुप की एक तारीख है लाहौर चैम्बर में, उन्होंने एक बड़ी स्ट्रगल की है लाहौर चैम्बर में, तो आइए उनसे जानते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में आज़ाद ग्रुप की क्या तैयारी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। राजा हसन अख्तर, फाउंडर चेयरमैन हूँ आज़ाद ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डॉक्टर साहब, आपने पूछा है आज़ाद ग्रुप से मुतल्लिक, तो आज़ाद ग्रुप की जो रिफाए आमा की हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं, लेकिन लाहौर चैम्बर के अंदर हम फाउंडर के साथ हैं। हम फाउंडर के जो डिसीजंस हैं उनको फॉलो करने के हम पाबंद हैं, और मैं ये समझता हूँ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सियासत के अंदर आज़ाद ग्रुप का एक बड़ा हमेशा कलीदी किरदार रहा है। हमारी स्ट्रगल जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। हम जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं काशिफ अनवर साहब, हम बहसियत ग्रुप, हम काशिफ अनवर साहब से मुतमईन हैं, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, और मैं ये समझता हूँ कि काशिफ अनवर साहब ने प्या फाउंडर अलायंस को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने में बड़ा एक अहम किरदार अदा किया है। काशिफ अनवर साहब की ओपन डोर पॉलिसी, मैं उसको बहुत ज़्यादा सराहता हूँ। इसलिए सराहता हूँ कि ओपन डोर पॉलिसी से जो हमारा आम ताजिर है, दुकानदार है, आम हमारा सनतकार है, जिसके अंदर एक पहले झिझक थी, एक वो एक खौफ था प्रेसिडेंट ऑफिस का, उसके अंदर वो झिझक और वो खौफ ख़त्म हुआ है, और अब कोई भी बंदा बग़ैर नोक किए हुए वो प्रेसिडेंट साहब को, काशिफ अनवर साहब को किसी भी वक्त मिल सकता है। किसी भी वक्त उनके पास कोई भी, अगर वो लाहौर चैम्बर का मेंबर नहीं भी है, तो मैंने देखा कि वो उसको अच्छे तरीके से इज्जत देते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं। जी नाज़रीन, ये थे राजा हसन अख्तर, बानी आज़ाद ग्रुप, जिनका कहना था कि काशिफ अनवर जो मौजूदा सदर है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी ओपन डोर पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा कि काशिफ अनवर ने प्या फाउंडर को ग्रास रूट तक लेके चले गए हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तिक़लाल को इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का नस्बुल ऐन इंसानियत की बेलौस खिदमत, अहले इलाका की सहूलत के लिए बच्चों की बेहतरीन नर्सरी, लेबर रूम, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट की जेर निगरानी, जचा बच्चा वार्ड, शोभा अमराजे मर्द और खवातीन के लिए अलहदा अलहदा डेंटल डिपार्टमेंट, मर्द और खवातीन के लिए अलहदा अलहदा फिजियोथेरापी यूनिट, ओपन MRI, थर्मल थेरापी, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, मर्द और खवातीन के अल्ट्रासाउंड, ECG, फार्मेसी जैसी तमाम सहूलियात, माहिर और क्वालिफाइड डॉक्टर और स्टाफ की जेर निगरानी मुहैया की जा रही है। इसके अलावा मैदा, जिगर, शुगर, आर्थोपेडिक, ENT, माहिर अमराज़े बच्चगान, स्किन स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन और जदीद ऑपरेशन थिएटर की सहूलियात भी मुयसर, नेज TB का मुयसर इलाज भी किया जाता है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक फारूकगंज मिस्री शाह लाहौर, फोन 04237607861।